हे गाइस, वेलकम टू अ वायरल ब्लॉग। स्वागत है आपका 11th व्लॉग में। तो अभी पिछला व्लॉग डाला था उस पर सिक्योरिटी पे, वो ज़रूर देखना, उसका लिंक यहाँ पे डाल दूंगा मैं। जैसा कि आप देख लोगे, रूम में कपड़े कपड़े कपड़े, बाहर हो रही है बारिश, तो तीनों में कपड़े धो के अंदर ही सुखाए। बाकी रूम में अपग्रेड्स देख लो, ये बैठे हैं पाजी, एक पवन पाजी, इतने बैड आ, तो इतने एक मैट्रेस है। बाकी एक अलमारी है, आप जो पिछले व्लॉग में नहीं थी, ये भी आई है, टेबल आया, बहुत कुछ आया। तो आज का टाइटल है इमिग्रेशन को लेके, जो सबको डर लगता है, जो यूट्यूबर्स डराते हैं कि इमिग्रेशन में बहुत कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो व्लॉग शुरू करते हैं बहुत जल्दी, पहले नहा के आते हैं। नहा चुका है आपका भाई और एकदम से आया है फ़ोन सोनू का, और अब हम जा रहे हैं टाउन। बाकी दिखाते हैं आपको पूरा रास्ता जाते हुए, देखना लंदन की रोड्स। एंड बाकी इमिग्रेशन वाला टॉपिक एंड में सबसे पूछूंगा, सबके रिकॉर्डिंग्स डालूंगा, सबको साथ में ला के पूछूंगा आपके सामने। तो पूरा व्लॉग पूरा देखना, थोड़ा जिनको डर रहता है हमेशा कि इमिग्रेशन में क्या पूछेंगे क्या होगा, उनके लिए है स्पेशली वो व्लॉग। बाकी फॉर इंटरेस्ट सब देख सकते हैं। तो चलो गाइस देखो। गाइज, ये सबसे नज़दीक बस स्टॉप था मेरे घर से, तो मैं आया, फिर मैंने ऑनलाइन चेक किया, तो अभी बस के आने में है 6 मिनट और बस आएगी, फिर जाऊंगा। तो मैं पैदल ही जितना जा सकता हूं उतना जा रहा हूं, फिर बस पकड़ूंगा। बस मैं लेता नहीं, बट उसका फ़ोन करीब 4 बार आ चुका है, 3 बज रहे हैं, 2:30 बजे से वो मेरे को फ़ोन कर रहा है। हम सुबह उठे, घर में साफ़ सफ़ाई करी, किचन सेट किया, इतने दिन से आए थे बिज़ी थे, क्योंकि मैं भी सिक्योरिटी का कोर्स चल रहा था, टाइम नहीं मिलता था। पाजी हमारे जॉब करते हैं और लड़का जो नया आया है भाई हमारा, वो अभी 2 दिन पहले ही आया है। तो अब चलते हैं ने उनसे मिलने। देखो तो हे गाइस, यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास हैं गौरव भाई और पवन पाजी, ते गुरसेवक पाजी, वो अभी थोड़े बिजी हैं, उनको हम लास्ट में लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हमारे सेलिब्रिटी भाई पवन पाजी। तो आपका इमिग्रेशन में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो, थोड़ा तेज बोलना बस। तो गाइस, सबसे पहले हम पूछते हैं गुरसेवक पाजी से, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इमिग्रेशन में। तो पाजी, आपसे यहाँ हित्रो में मेन जहाँ होते हैं इमिग्रेशन, वहाँ क्या पूछा था? देखिए, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लोग ज्यादा बस डराते हैं और कुछ नहीं है। बंदा अपने कॉन्फिडेंस से आए और कुछ नहीं है, आगे आके ज्यादातर वो आपका वीजा पूछें, कौन सा किस बेस से आए हो, क्या आपका स्टडी क्या है और कितना लंबा टाइम है आपका, कि हाँ भाई कितने साल स्टडी है, बस ये नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं और ज्यादा कुछ नहीं। जो बंदा हड़बड़ा जाता है उसके आगे के लिए दिक्कत आ जाती है, वो एक साइड में तुरंत एक साइड में कर देते हैं, उसी टाइम वो टाइमिंग लगाते ज्यादा, फिर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बस कॉन्फिडेंट होना चाहिए बंदे का। तो भाई, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी बैचलर्स कब हुई थी? मेरी बैचलर्स अभी 2020 में हुई थी। देख लो, आपके सामने है, कुछ नहीं कहते। अगले हम सबसे मेन जो ये सबसे ज्यादा शर्मा रहे आपको दिख रहे होंगे, पवन भाई, इसको इनको लाते हैं जरा। तो पवन भाई, आपसे क्या पूछा लंदन हीथरो में, ये बताओ। मैं बर्मिंघम आया था, सॉरी, ये बर्मिंघम आए थे। मुझसे कुछ नहीं पूछा, यूनिवर्सिटी का पूछा और कोर्स कौन सा, बस उन्होंने जाने दिया। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं पूछा। और आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, वो तो शेयर करो। जब मैं आ रहा था, मैंने बैग अपना कलेक्ट किया, तो जब मैं बाहर को आ रहा था, तो मुझे एक पता नहीं मुझे आवाज मारी, किसे मारी, और कहते हैं हे यू स्टॉप, और मैंने कहा नहोंडी जट मुड़ता जान दे। तो आप देख रहे हो, कॉन्फिडेंट होना चाहिए बस। जिनका नाम है गौरव, तो ये मेन है, इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। गौरव भाई, कैसा रहा आपका इमिग्रेशन में एक्सपीरियंस? बढ़िया रहा यार, मेरी तो किस्मत अच्छी थी, मुझे इंडियन के पास भेजा उसने, इंडियन के पास।
मतलब इंडियन के पास मुझे भेजा गया, उसने मुझसे पूछा कि कोर्स क्या है, ड्यूरेशन क्या है, आप पहले क्या करते थे, यहाँ क्यों आए हो, बस 4-5 क्वेश्चन पूछे फिर मैं आगे चला गया। आगे एक और बंदे ने रोका जिसे कहते हैं इमिग्रेशन मेन, मतलब जिन जिनको उन पे डाउट होता है, रोक लेते हैं किसी, हर किसी को नहीं रोकते, पर मुझे रोका था, उन्होंने भी 2-3 क्वेश्चन पूछे, मैंने कॉन्फिडेंट होकर आंसर दे दिया। तो बस गाइस आपके सामने है, बस कॉन्फिडेंट रहो, बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना, तो बस कॉन्फिडेंट रहो, कुछ भी नहीं पूछते, टेंशन नहीं लेनी। क्वेश्चन आए थे इमिग्रेशन को लेके, क्या पूछते हैं क्या पूछते हैं, बहुत डरा रहा था इमिग्रेशन को लेके, मेरे से भी कुछ नहीं पूछा था। तो अगली वीडियो, अब आई होप आपको डाउट्स क्लियर होंगे, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा, और इन्हीं पाजी और अपने भाई के साथ और भी वीडियोस लाएंगे। पवन पाजी तो कह रहे थे मैं तो सारी वीडियोस में आना चाहता हूँ, बट यही है कि चैनल हमारा तो हम ज्यादा आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है जो कार्ड्स वगैरह, यहाँ पे बैंक कार्ड, फोटो कार्ड वगैरह, जो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कैसे होते हैं, क्या जरूरत होती है, उनकी क्या बेनिफिट्स हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आप इन सबके साथ और एक वीडियो चाहते हो तो कमेंट डाउन बिलो आ रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, 300 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो मिलते हैं गाइस, बाय बाय। तो सबसे पहले गुरसेवक पाजी से पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। पाजी सबसे पहला सवाल अपना यार